हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री लालचंद कटारिया के अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा चुनाव कराने वाले बयान से राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया है। कटारिया की तर्ज पर मुंबई कांग्रेस के राजस्थानी सेल के अध्यक्ष और कांग्रेस के युवा नेता हीरा भाई देवासी का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें हीरा देवासी ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही राजस्थान का चुनाव लड़ने की मांग की है। हीरा देवासी का कहना है कि राजस्थान की जनता अशोक गहलोत को दिल से चाहती है। अशोक गहलोत ने राजस्थान के हर तबके के लिए काम किया है। सेठ और जीवाराम विश्नोई ने भी गहलोत के नेतृत्व में ही राजस्थान का चुनाव लड़ने के सुर से सुर मिलाए हैं। हीरा भाई देवासी जी, आपसे निवेदन है कि कल जो लालचंद कटारिया ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? लालचंद कटारिया जी ने कल स्टेटमेंट दिया वो एकदम राइट स्टेटमेंट दिया, हम उससे सहमत है। अशोक जी गहलोत जी को ही सीएम घोषित करते हैं तो 150 सीट पार करेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वहाँ सरकार बना पाएगी, क्योंकि अशोक जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस वापस आ जाएगी। आज गांव ढाणी जो अशोक जी ने काम किया है और जो जनता चाहती है अशोक जी को, फिर से अगर कांग्रेस को सरकार बनानी तो अशोक गहलोत जी को सीएम घोषित करेंगे तो ही राजस्थान में कांग्रेस आ सकती है। और पिछले सालों में जो अशोक जी ने जो कार्यक्रम किए हैं उससे क्या आप संतुष्ट है? जनता, आम जनता में क्या माहौल है? हम तो संतुष्ट हैं, हम तो संतुष्ट, जनता संतुष्ट है। आज जनता के लिए जो उन्होंने काम किया था, हर वर्ग के लिए काम किया था, चाहे पेंशन हो, चाहे गेहूँ हो, अकाल के अंदर जो गायों के लिए किया उन्होंने, वो आदमी ने गायों के लिए किया, उसके राज में गायें खुश थी, तो इंसानों की बात छोड़ दो, वो तो वास्तव में एक गांधी है और उनका जो कार्यकाल में जो काम हुआ कभी नहीं हुआ है। और अब की बार आप क्या चाहते हो, क्या सरकार बन सकती है? 101% कांग्रेस की सरकार आएगी और गहलोत जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। अमृत जी, क्या अब की बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी और किसके नेतृत्व में बनेगी? कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर सर्व नेता सब एक है, सब साथ में मिलकर कांग्रेस को लाने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। आज इतने समय में के अंदर ये जो परिस्थिति जो चल रही है देश के अंदर, जो परिस्थिति जो निर्माण हुआ है, उस परिस्थिति को देखते हुए राजस्थान पहला राज्य होगा, वहाँ से जहाँ से कांग्रेस फतेह करके आगे बढ़ेगी और वहाँ से उसे होते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी वो जीत के आएगी कांग्रेस, क्योंकि माहौल ऐसा खराब हो गया है। और अशोक जी गहलोत जो गांधीवादी आदमी है, उनकी पूरे राजस्थान में पूरे एक एक ढाणी के अंदर, और हम लोग जो प्रवासी लोग हैं, जो जैसे मद्रास में, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, जितने प्रवासी लोग रहते हैं वो सब चाहते हैं कि अभी हमारा नेतृत्व राजस्थान का, कांग्रेस का, और राजस्थान का सीएम बने वो अशोक जी गहलोत बने, तो ताकि वहाँ पर हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग जो रहते हैं वो जो खुशहाली थी जो अशोक जी के राज में, वो खुशहाली वापस आवे, वही चाहते हैं हम लोग और प्रवासी लोग वो चाहते हैं। इसी तरह गांधीवादी अशोक जी को सीएम अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो मुझे कोई शंका और कोई उसमें आशंका नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आएगी करके। अदरवाइज अगर जैसे ग्रुपिंग रहा और ग्रुपिंग करने को गया तो अगर कांग्रेस पार्टी का जो वो है सामने, जो धुरंधर जो है, जो जोड़ तोड़ मोड़ तन मन और धन और बल जो उनके पास में है, उनके सामने लड़ाई लड़ सकते हैं तो अशोक गहलोत लड़ सकते हैं। कल लालचंद कटारिया ने जो स्टेटमेंट दिया है अशोक गहलोत की सरकार बनने के लिए, तो उसके बारे में हम मुंबई से जालाराम जी बिश्नोई जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो कल लालचंद कटारिया जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का, यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी डिक्लेयर करते हैं तो मैं इस बात पे सहमत हूँ कि अशोक गहलोत ही राजस्थान को कांग्रेस की सत्ता दिला सकते हैं और उसके बिना दूसरे जो नेता है वो इनके अंदर और अनुशासन के अंदर, अशोक गहलोत के अनुशासन के अंदर वो पूरी तरह से एकता के अंदर रह करके पुनः राजस्थान की कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत ही बना सकते हैं। तो हम अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री इलेक्शन के पहले अशोक गहलोत को ही डिक्लेयर करें, क्योंकि हमारे प्रवासी भाई सब लोग यही चाहते हैं कि जो उनकी पॉलिसी थी जन जन की और हर हर आदमी के दिल में उनका जो प्रेम है
उस प्रेम को लेकर के, और पिछले जब वो मुख्य भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जनहित के लिए जो कार्यक्रम किए हैं, और पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज भी नौजवान बुजुर्ग महिला जो भी है वो बहुत ही अशोक जी को याद कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में ही राजस्थान की सरकार बनेगी। और उसके अंदर यदि अशोक जी को नहीं नेतृत्व देते हैं तो फिर अब कांग्रेस को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यही हम अध्यक्ष महोदय जी से कहना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर पुनः सरकार लाना है तो अशोक जी के नेतृत्व के अंदर ही आना चाहिए। मुंबई से जागरूक टीवी के लिए सुरेश पुरोहित की रिपोर्ट।